मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है उसको भी प्लीज़ प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाए। हेलो एंड वेलकम टू आमी क्रिएटर का, मेरा नाम है अमृता। तो आज मैं आपको मेरे कॉलोनी के गार्डन का टूर कराने वाली हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन है, तो उसका मैं टूर कराऊंगी आपको। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराना बोले। सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है उसमें प्लीज़ प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशन मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। तो चलिए बढ़ते हैं गार्डन की ओर। तो यहाँ से गार्डन की एंट्री, ये ब्यूटीफुल से प्लांट्स लगे हैं यहाँ पे, यहाँ पे भी, और बहुत ही अच्छी हवा चलती है। देखिए प्लांट्स से आप देख सकते हो कितनी अच्छी हवा चल रही है। बहुत ही वैरायटी के प्लांट्स यहाँ पे लगाए हैं और बहुत ही अच्छे से मेंटेन भी करते हैं ये लोग। सारे प्लांट्स को रोज़ पानी देना, बहुत अच्छे से मेंटेन करना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं। यहाँ पे देखिए छोटा सा बच्चा क्रिकेट खेल रहा है बिना कोई टेंशन के, ना गाड़ी का टेंशन ना किसी का टेंशन, आराम से अपना खेल सकते हैं बच्चे लोग भी। बहुत ही बड़ा गार्डन है और ये डायरेक्ट मेरे बालकनी से दिखता है। देखिए यहाँ पे भी कुछ बच्चे खेल रहे हैं। ये है एम्फी थिएटर, एक्चुअली एम्फी थिएटर बोलते हैं इसको, जहाँ पे आपको बैठने का अरेंजमेंट भी है दिया गया रहता है। यहाँ पे देखिए ट्रीज़ है जो काफ़ी वेल मेंटेन्ड है और एकदम दूर तक, वहाँ तक आपको जहाँ पे दिख रहा है वहाँ तक गार्डन फैला हुआ है। यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग भी होता है, मेरा फ्लैग होस्टिंग वाला वीडियो भी आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिए, उसमें मैंने बताया है यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग कैसा होता है, बहुत ही अच्छे से होता है। ये इतना सारा ओपन एरिया है बच्चों को खेलने के लिए, वहाँ देखिए बच्चे वहाँ पे भी खेल रहे हैं। मैं जूम करके बताती हूँ आपको, देखिए यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं और यहाँ पे छोटी सी बच्ची आ गई साइकिलिंग करते हुए। यहाँ पे बच्चों को खेलने का बिल्कुल भी टेंशन नहीं है क्योंकि गाड़ियाँ वगैरह का टेंशन नहीं है, अंदर नहीं आते तो अपना आराम से बच्चे साइकिलिंग कर सकते हैं, खेल सकते हैं बिना कोई टेंशन के। और मॉम डैड भी अपने बच्चों को नीचे छोड़ते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सेफ है। यहाँ पे देखिए आपको कितनी सारी वैरायटी के प्लांट्स दिखेंगे। यहाँ पे आपको बैठने के लिए भी बहुत ज़्यादा स्पेस दिया है, आप कहीं भी देखो यहाँ पे बैठ सकते हो। तो यहाँ पे रात में भी जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं आके गप्पे मारते हैं, बैठते हैं। यहाँ पे भी सेंटर में आपको बैठने के लिए बहुत एरिया दिया है, तो खाना वाना खाने के बाद आके रात में एकदम ठंडा लगता है बैठते। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। वो पहले वाला जो एंट्री था, और यहाँ से एंट्री भी कर सकते हैं, एग्ज़िट भी कर सकते हैं, वहाँ से भी एग्ज़िट कर सकते हैं। दो गार्डन टोटल, दो जगह है एंट्री और एग्ज़िट की। यहाँ पे एक और गार्डन है, यहाँ पे बच्चे पूरे क्रिकेट खेल रहे हैं तो मैं अंदर उनको डिस्टर्ब नहीं करूँगी, आपको मैं बाहर से व्यू दिखा रही हूँ। क्रिकेट की मैच चल रही है अंदर बच्चों की। और ये गार्डन को देखिए बाहर से वाइट लाइट से कवर किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हो, मैं जूम करके बताती हूँ। देखिए यहाँ पे आपको वाइट लाइट दिख रहा है, और क्योंकि ये शाम के टाइम, रात के टाइम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है वाइट लाइट। ये एक और गार्डन है छोटा सा, बच्चों का प्ले एरिया है। यहाँ पे आपको झूला दिया है, ये डक, क्यूट सा डक दिया है जिसमें छोटे छोटे से बच्चे बैठते हैं। यहाँ पे झूला है, यहाँ पे स्लाइड है, और यहाँ पे शाम के टाइम बहुत ज़्यादा जंप मारते हैं बच्चे, और खेलने का अच्छा खासा अरेंजमेंट किया है कॉलोनी में। यहाँ पे ये एक और गार्डन है, इसके अंदर भी आपको चल के बताती हूँ। ये है एंट्री इसका, दो तीन एंट्री है वैसे तो। यहाँ पे देखिए ये जो ग्रीन एरिया है इसमें बैठने के लिए आपको अरेंजमेंट है। देखिए अंकल आंटी वहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, तो आप आराम से आके इस ग्रीन एरिया में आके बैठ सकते हो।
और जैसे ये ग्रीन एरिया ख़त्म होता है, यहाँ पे देखिए कितना अच्छा वेल मेंटेन्ड है। देखिए क्यूट क्यूट से यहाँ पे ग्रीन ग्रीन ग्रास है, ट्री है, बहुत ही वेल मेंटेन किया है, बहुत सारे ट्री प्लांट। यहाँ पे देखिए बॉर्डर में कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ पे जो वॉक करते हैं उनके लिए ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे जहाँ पे मैं वॉक कर रही हूँ जो ओल्डीज़ होते हैं वो यहाँ पे वॉक कर सकते हैं, जिसको नाना नानी पार्क भी बोलते हैं। यहाँ पे कुछ फंक्शन इनका अरेंज हुआ है, तो यहाँ पे देखिए इवनिंग में फंक्शन होने वाला है, तो काफ़ी बड़ा स्पेस इन्होंने यहाँ पे रखा है, कवर किया है। देखिए कितना बड़ा गार्डन है ये। देखिए यहाँ पे चलते चलते आ गई हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं शाम का टाइम हो चुका है, बच्चे यहाँ पे आ गए खेलने के लिए, और कितने सारे बच्चे आप देख सकते हैं सब एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे अपना अपना, और वहाँ पे पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों को लेके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैठने का अरेंजमेंट है, पूरा सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए सब अरेंजमेंट किया है, और बच्चे अपना वेकेशन बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। ब्यूटीफुल प्लांट्स से सराउंड किया गया है इस गार्डन को, प्ले एरिया को।